जय भोलेनाथ दोस्तों, क्या आप लोग भी 2BHK का फ्लैट ढूंढ रहे हैं, वो भी दिल्ली में उत्तम नगर के एरिया में? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने ये शानदार 2BHK का फ्लैट आप लोगों के लिए तैयार किया है। और 2BHK की दोस्तों हाई डिमांड को देखते हुए 2BHK के बहुत सारे ऑप्शंस गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के पास अवेलेबल हैं। और इसके अलावा प्राइम लोकेशंस के कुछ रीसेल के फ्लैट भी दोस्तों हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि आपको काफी रीजनेबल कीमत पर मिल सकते हैं और न्यू फ्लैट के मुकाबले ना करते भी 5 से 7 लाख रुपए सस्ते आपको मिल सकते हैं। तो इनकेस अगर आप रीसेल की प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्टेड हैं तो कॉल कीजिए दोस्तों, ताकि हम आपको एक बेस्ट लोकेशन में बेस्ट प्राइस के अंदर अच्छा फ्लैट दिला सकें। चलिए बात करते हैं आज हमारे इस 2BHK फ्लैट की। 60 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर और 65 स्क्वायर यार्ड के स्लैब एरिया में फ्रंट साइड का शानदार 2BHK का फ्लैट दोस्तों हम आपको देने वाले हैं, जो कि द्वारका मोड़ से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और मेन द्वारका से सिर्फ 800 या 1000 मीटर के डिस्टेंस पर है। बहुत नजदीक और बहुत प्यारी लोकेशन और बहुत प्यारे मेकिंग के साथ दोस्तों आपको ये 2BHK का फ्लैट हम लोग देने वाले हैं। इस फ्लैट में हम आपका लोन LIC से भी करवा सकते हैं, इनकेस आपकी प्रोफाइल उसके अकॉर्डिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एक शानदार सी विजिट और देखते हैं कि कैसा है आपका ये 2BHK का फ्लैट। एंट्री करने के बाद दोस्तों सबसे पहले और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये जो लिविंग स्पेस है, इस तरह का गेटअप और इस तरह की जो स्पेस फैसिलिटी है दोस्तों, ये आपको बहुत कम 2BHK फ्लैट में देखने को मिलती है। बहुत ओपननेस मिलती है दोस्तों आपके इस 2BHK फ्लैट के अंदर। और एल टाइप का सोफा आप यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं। पीछे की वॉल्स पर आप देखेंगे आपको मोल्डिंग वर्क मिलेगा, इस तरफ एसी की फिटिंग मिलेगी। सीलिंग की अगर बात करें तो सीलिंग भी आपको डिफरेंट और शानदार डिजाइन के साथ मिलती है। अगर हम बात करें हमारे फ्लोरिंग की दोस्तों, तो यहाँ पर व्हाइट बेस की जो फ्लोरिंग है वो इस्तेमाल की है। इस कंप्लीट फ्लैट के अंदर दोस्तों आपको बहुत सोबरनेस मिलेगी, बहुत सिंपलिसिटी मिलेगी दोस्तों, और उसी सोबरनेस और उसी सिंपलिसिटी में आपको एक शानदार गेटअप भी मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं आपके टीवी पैनल की और आपके डिजाइनर वॉल की। तो ये कंप्लीट एरिया दोस्तों डिजाइन किया गया है लूवर्स के साथ दोस्तों, और यहाँ पर आपको काफी बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है आपका टीवी लगाने के लिए। कंप्लीट फिटिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों, और नीचे आपको 3 बड़ी-बड़ी ड्रॉर्स मिलती है। ये एरिया दोस्तों स्पेशल लाइट वर्क के साथ डिजाइन किया गया है, आप देख सकते हैं प्रोफाइल लाइट्स यहाँ पर लगाई गई है, लूवर वर्क यहाँ पर दिया गया है, तो ये एरिया भी हाईलाइट करता है आपके इस लिविंग स्पेस को। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे हमारे किचन के बारे में, जो कि लिविंग स्पेस के बिल्कुल ठीक साथ में है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी किचन दी गई है, इस किचन को वेंटिलेट करने के लिए काफ़ी बड़ी शाफ्ट दी गई है। किचन के स्टार्टिंग में ही आपको फ्रिज का स्पेस मिलता है और यहाँ पर स्विच एंड सॉकेट दोस्तों मिल जाता है, और उसके बाद शुरू होती है एल टाइप की ये शानदार सी आपकी किचन। इस किचन के अंदर सबसे पहले बात करेंगे स्टोरेज की, तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ दोस्तों आपको काफ़ी स्टोरेज मिलती है। जितना भी स्टील इस्तेमाल किया गया है, जो भी बास्केट यूज़ की गई है दोस्तों, वो हाई क्वालिटी की आपको मिलती है। जितना वुडन वर्क आपको मिलता है वो आपको अच्छी क्वालिटी का मिलता है। डबल मोल्डिंग का दोस्तों टॉप यहाँ पर लगाया गया है, यानी कि जो पत्थर यूज़ किया गया है ये नैनो है और ये डबल मोल्डिंग में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपका सिंक रहने वाला है, और इस तरफ आपको जो फिटिंग्स मिलेंगी वो सारी की सारी हाई क्वालिटी की मिलेंगी। अपर सेक्शन पर दोस्तों एक ओपन स्टोरेज भी आपको मिलती है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको काफ़ी स्टोरेज मिल जाती है। ये पॉइंट आपका चिमनी के लिए है, यहाँ पर आपकी चिमनी लगेगी दोस्तों, और कंप्लीट स्लैब पर जो वाइट बेस की टाइल्स है वो इस्तेमाल की गई है, और यहाँ पर स्विच एंड सॉकेट्स आपको मिलते हैं, जिससे कि प्रॉपरली अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को आप यूज़ कर पाएंगे। अपर सेक्शन में आपको प्रोफाइल लाइट्स मिलती हैं, और सीलिंग पर भी आपको डिजाइनर वर्क देखने को मिलेगा। इवन इस तरफ भी दोस्तों दो ओपन शेल्फ दी गई हैं, जिससे कि ओपन में अगर आप कुछ रखना चाहें तो वो भी यहाँ पर आप इजीली रख पाएंगे। तो ये है दोस्तों आपकी शानदार सी किचन। आपने लिविंग स्पेस देखा, आपने अपनी किचन देखी दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपके बेडरूम्स के बारे में। इस कंप्लीट फ्लैट के अंदर दोस्तों जो फील आपको आएगी जब आप इसे वॉक करते हैं तो भी काफ़ी शानदार आपको आती है। चलिए बात करते हैं आपके पहले बेडरूम के बारे में। तो ये है आपका पहला बेडरूम। 6x6 का बेड लगाने के बाद भी आप देख सकते हैं कि तीनों तरफ आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है। बेड के दोनों तरफ आपको आपकी अलमीरा मिलती है, ओपन शेल्फ मिलती है, और नीचे की तरफ भी दोस्तों आपको काफ़ी स्टोरेज मिलती है, और दोनों ही तरफ आपको स्विच एंड सॉकेट्स दिए गए हैं, जिससे कि बेड पर आराम करते वक्त अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को आप इजीली चार्ज कर सकें। उस तरफ आपको एसी की फिटिंग मिलती है। सीलिंग की अगर बात करें तो सीलिंग का डिज़ाइन काफ़ी शानदार यहाँ पर भी आपको मिलता है। और उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपको टीवी पैनल की। तो यहाँ पर टीवी पैनल आपको मिलता है, जिसमें एक तरफ ओपन शेल्फ मिलती है और एक तरफ आपको आपकी ड्रॉअर मिल जाती है।
तो कंप्लीट रूम दोस्तों काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, बिल्कुल प्राइवेसी है, सेपरेट रूम आपका ये आपको मिलता है। और उसके बाद बात करेंगे आपके सेकंड बेडरूम की। सेकंड बेडरूम में जाने के लिए दोस्तों जो ये स्पेस है, ये जो गैलरी है, ये भी काफी शानदार है। दोनों तरफ आपको बोल्डिंग वर्क मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों मूवीज के अंदर कि इस टाइप की गैलरी में हम बहुत सारे अपने जो कॉलाज है वो लगा लेते हैं, बहुत सारी फोटोज हम लगा सकते हैं, फ्रेम करा सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से। तो इसे भी हम लोग काफी अच्छे तरीके से डिजाइन कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं आपके सेकंड बेडरूम के बारे में। और ये सेकंड बेडरूम दोस्तों काफी बड़ा है, ऑलमोस्ट 15 फीट बाय आप देख सकते हैं 10 फीट का आपको ये बेडरूम मिलता है। एक तरफ कंप्लीट आपको जो वार्डरोब है वो मिलती है, यहाँ पर आपका ड्रेसिंग सेशन है दोस्तों, और इस पर भी प्रॉपर जो प्रोफाइल लाइट्स हैं वो दी गई हैं। यहाँ पर आपको ग्लास मिलेगा, स्विच एंड सॉकेट्स आपको मिलते हैं, नीचे आपको ड्रॉट मिलती हैं, बेड के ठीक पीछे आपको कुल्टिंग वर्क मिलता है इनकेस अगर आप फुली फर्निश्ड बेड लेंगे तो, अदरवाइज यहाँ पर आपको वॉलपेपर लगा कर देंगे। सीलिंग का डिजाइन यहाँ पर भी आपको डिफरेंट एंड यूनिक मिलता है। और ये बेडरूम दोस्तों क्योंकि फ्रंट की तरफ है तो यहाँ पर आपको काफी बड़ी विंडो मिलती है, विंडो इसे लगाने के लिए आपको प्रोविजन मिलता है, और यहीं से आपकी बालकनी में जाने का रास्ता भी आपको मिलता है। इस तरफ आपका टीवी पैनल है और यहाँ पर कंप्लीट फिटिंग्स आपको मिलती हैं, नीचे आपको तीन बड़ी बड़ी ड्रॉट भी मिल जाती हैं। और इस बेडरूम के साथ दोस्तों आपका वॉशरूम भी अटैच है जो कि काफ़ी बड़ा है साइज में, कॉमन वॉशरूम हमारा पहले की तरफ था तो वो भी आपको दिखाएंगे। ये है दोस्तों आपका अटैच वॉशरूम और आप देख सकते हैं 6.5 फीट बाय और ऑलमोस्ट 4.5 फीट के साइज में काफ़ी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। और यहाँ पर रूफ हाइट तक की आपको टाइल्स मिलती हैं, वॉल हैंगिंग कमोड आपको यहाँ पर मिलेगी, बेडिंग एरिया आपको इस तरफ मिलेगा, और यहाँ पर आपको विंडो मिलती है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन आपके इस वॉशरूम में और आपके इस रूम में रहने वाला है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपकी बालकनी के बारे में, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आपकी बालकनी और बाहर का व्यू। ये आपकी बालकनी है दोस्तों, यहाँ पर आपको टफन ग्लास मिलता है और 304 के सील में आपको रेलिंग मिलती है। अपने की रोड आपको 30 फीट की मिलती है, साफ सुथरी और अच्छी गली आपको मिलती है दोस्तों जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करती है आपको द्वारका से। टाइल वर्क की अगर बात करें तो कंप्लीट एलिवेशन पर आपको जो टाइल वर्क मिलती है ये वुडन शेड की है, तो ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आपका वॉशिंग एरिया आपको मिलता है, स्विच एंड सॉकेट, पानी निकलने के लिए स्पेस और टैब आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 2 BHK दोस्तों वाकई में काफ़ी हाई डिमांड पर रहता है क्योंकि फैमिलीज छोटी हैं और 2 BHK उनके लिए सफिशियंट रहता है। तो ये 2 BHK भी दोस्तों आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी शानदार तरीके से बनाया गया है और इसकी जो ओपननेस है, इसकी जो लोकेशन है ये भी काफ़ी खास है। चलिए बात करते हैं आपके कॉमन वॉशरूम के बारे में। तो यहाँ पर आपका कॉमन वॉशरूम है दोस्तों और इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। वॉल हैंगिंग कमोड यहाँ पर भी आपके लगेगी और जितनी भी कंप्लीट फिटिंग है दोस्तों वो सारी की सारी यहाँ पर भी आपको क्वालिटी की मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि 2 BHK का फ्लैट आपको जरूर पसंद आया होगा। हर बिल्डिंग में, हर नए फ्लैट के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट और यूनिक आपको देखने को मिलता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता होगा दोस्तों। बहुत सारी लोकेशंस गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के इस चैनल के जरिए आप लोग देख पाते हैं और बहुत कुछ नया है मार्केट में, बहुत कुछ नए नए डिजाइंस हैं, नए नए पैटर्न्स हैं दोस्तों फ्लैट्स के, वो भी आप लोग हमारे माध्यम से देख पाते होंगे। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जानकारी आपके काम भी आती होगी। इनकेस अगर आप उत्तम नगर द्वारका मोड़ के एरिया में फ्लैट लेते हैं तो गुरु महादेव रियल एस्टेट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और इसके अलावा दिल्ली में या फिर इंडिया में कहीं भी आप फ्लैट लेते होंगे तो भी ये जानकारी आपके काम जरूर आती होगी। मैंने अक्सर आपको बोला है दोस्तों कि किसी भी तरह की सलाह के लिए और एडवाइस के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम हमेशा ही आपके लिए बिल्कुल रेडी हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।